मुझे क्या कोई सरकारी नुमाइंदा या फिर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली सही कोई बता सकता है कि आपका 8 तारीख की अजय पंडिता की घटना पे उनके साथ जो हुआ, उनको जो मारा गया, उस पे आपका इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है? बस मुझे यही जानना। मुझे नहीं लगता, अभी तक नहीं लग रहा है, जिस हिसाब से हमारी प्रतिक्रिया, जिस हिसाब से हम लोग अपना आउटरेज शो करते हैं, मैं किसी को इनसाइट नहीं कर रहा, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे मीडियम हैं, हम कभी रोड पे आके दंगे नहीं करते अपने हक के लिए, करना भी नहीं चाहिए। दंगा करना है देश को क्षति पहुँचाना, पब्लिक प्रॉपर्टी को क्षति पहुँचाना, ये हमारे संस्कार नहीं। लेकिन कभी हम लोग ऐसा आउटरेज एकजुट होकर शो तो करेंगे, सरकारों से डिमांड तो करेंगे कि चीज़ों का समाधान हो, वो जो गलत हुआ उसको सही किया जाए, जस्टिस दिया जाए और एक लॉन्ग टर्म चीज़ इंश्योर की जाए कि भविष्य में ये चीज़ रिपीट नहीं होगी, और अगर होनी होगी तो इसका ये समाधान होगा। 8 तारीख को अजय पंडिता भारती जी को मार दिया गया आतंकवादी द्वारा, गोलियों से छन्नी कर दिया गया। वो इंसान प्योर नेशनलिस्ट था, हिंदू था, पंडित था, कश्मीरी पंडित था। भारती नाम उन्होंने आगे इसलिए लगाया था क्योंकि उनको भारत से प्रेम था। ठीक, उनकी बेटी को मैं आप सुनाना चाहता हूँ थोड़ा सा हिस्सा, कि कैसे वो लड़की प्राउड से, करेजियस होके, अपने पिता के मरने के 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसे बयान दे रही है और जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है, और उसने साफ चैलेंज किया है कि जिसको जो करना है कर ले। नियंता और द्वारकानाथ जी, पहले तो सारा भारत आपके साथ है, हमारा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क भी आपके साथ है। मैं पहले पूछना चाहूँगा नियंता से, नियंता अपने पिताजी, हेलो, तब वो साथ तब प्रूव होगा जब आप मेरे फादर के किलर को पकड़ के लाएंगे। साथ है, बोलने वाले बहुत होते हैं। अगर मेरे पापा कश्मीरी पंडित है और उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि यस, सर्व करने के लिए सिर्फ आर्मी ये सब जरूरी नहीं होता, तो मैं सिविलियन बन के भी सर्व कर सकते हो, तो आप लोग कब प्रूव करोगे सर? मतलब क्या पहले भी कश्मीरी पंडित को मारा गया, कोई एक्शन नहीं? अब मेरे पापा जो इस देश से कितना प्यार करते थे, अपने नाम के आगे भारती लगा दिया, यार इससे आगे क्या चाहिए? उन लोगों हर एक को सर्व करने के लिए वो हमेशा रहते थे। उनके किलर्स को पकड़ना अब इस देश का फर्ज है और पकड़ के लाना है उन्हें। वी रियली वॉन्ट जस्टिस एंड सर, फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं नहीं हूं उनमें से जो मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि मुझे जस्टिस चाहिए और कल मैं चुप हो जाऊंगी, ठीक है जब मिलेगा तब देखा जाएगा। नहीं, नहीं मिला मैं पूरा हिंदुस्तान हिला दूंगी। मेरे पापा सिर्फ कश्मीर हिलाते थे, मैं पूरा हिंदुस्तान हिला दूंगी अगर मेरे को जस्टिस नहीं मिला, हमारी फैमिली को जस्टिस नहीं मिला, मेरे पापा को किलर्स को नहीं पकड़ा गया। तो उनको पकड़ो, उनको वैसे वैसे नहीं, एक्चुअली उससे भी बुरी तरीके से। उन्हें मेरे पापा क्या क्या किया था उन्होंने, हाँ क्या कर रहे थे? ही वॉज किल्ड बिकॉज ही वॉज अ पंडित। क्या सेंस है इस बात की? गलत कहाँ किया उन्होंने जो उनको मार दिया? क्या मतलब उन्होंने हिंदू मुस्लिम में फर्क किया? कभी नहीं। जो पैसे उन्होंने वहां जहां हम रहते हैं लुक भवन में, जो पैसे वहां वो मंदिरों के लिए देते थे, वो पैसे वहां वो मस्जिदों के लिए देते थे। जो और कश्मीर में रहता कौन है फिलहाल, तो मुस्लिम। वहां वो सरपंच किन के लिए बने थे? उन्हीं के लिए। सर्व किन को करते थे? मुस्लिम को। तो क्यों मारा, किस खुशी में मारा? बिकॉज ही वॉज अ पंडित, क्योंकि कोई नहीं चाहता था एक पंडित वहां पे कुछ अच्छा करे। क्यों ना करे भाई, मदर मदरलैंड है उनकी, क्यों ना करे? उनका हमें उनका डेड बॉडी मिला, उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, सरपंच कार्ड, उनका मोबाइल मिसिंग है, उनका वॉलेट मिसिंग है, उनका सील ऑफ सरपंच तक मिसिंग है। कहां है? जब किसी बड़े, मतलब मेरे पापा को अभी तो बहुत लोग कह रहे हैं ना कि कंट्री आपके साथ है, ये आपके साथ है, वो आपके साथ है। प्रूव इट ना, आई चैलेंज यू, प्रूव इट, प्रूव करके दिखाइए मुझे। आई वॉन्ट जस्टिस, आई वॉन्ट द मर्डरर ऑफ माई फादर, यस आई वॉन्ट हिम इन फ्रंट ऑफ मी, आई सल्यूट। मैं सच में बोल रही हूं, मेरे पापा इस देश की आर्मी से बहुत प्यार करते थे, बेसिकली मेरे पापा इस देश को सर्व करते थे, और मुझे अभी बार बार बताने की जरूरत नहीं है, उनके कामों से पता चल जाता है, दिख रहा है सबको। तो अब इस देश की बारी है, करो।
प्रूव करके दिखाओ मुझे अभी, और मैं सच कह रही हूँ, अगर मुझे प्रूव करके नहीं दिखाया तो मेरे पापा के नाम के आगे भारती है ना, इस देश में कोई अपने नाम में आगे भारती नहीं लगाएगा कभी भी। क्यों लगाए? जस्टिस मिले पहले, जिसके नाम में भारती था भाई, उसके मर्डर पर तो पकड़ के लाओ, कहाँ है वो? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो लोग आज की डेट में हमारी सोसाइटी में कहाँ हैं, वो कहाँ मर गए हैं वो लोग जो अपने सेलेक्टिव जिहादी सेक्युलर, सो कॉल्ड सेक्युलर, सूडो सेक्युलर एजेंडा के लिए सामने आते हैं। शायद किसी से फंडिंग मिली हो तो सामने आएंगे कि ये बयान दे दो और ये फ़ायदा मिल जाएगा, कहीं से भी आया। तो वो लोग कहाँ हैं आज की डेट में जिनको कश्मीर में कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत वगैरह वगैरह चाहिए थी, दिखती थी? वो लोग कहाँ जिनकी धड़कनें कश्मीर के लिए धड़कती थी, कश्मीर की कश्मीरी जनता के लिए वो परेशान होते थे? तो वो लोग क्यों नहीं खुल के कह देते कि हमें सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों से प्रेम है जो भारत को ख़त्म करने में दीमक की तरह लगे हुए हैं और ऊपर के कोने से शुरू कर रहे हैं? अब कुछ जान के हैरानी शायद ना हो अगर आप ऑलरेडी उन्हें समझ गए कश्मीरी मुसलमानों को, क्योंकि इन्हें कश्मीरी मुसलमानों से ही सिंपत्ति है, कश्मीर के हिंदुओं से सिंपत्ति नहीं है, क्योंकि उनका वो ट्वीट नहीं दिखा, प्ले कार्ड नहीं दिखा। अगर वहीं पे कोई कश्मीरी मुसलमान मर जाता, जबकि आप समझिए जब आतंकवादी मारे जा रहे हैं तो लोगों के सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि एक अपीजमेंट का जरिया है, लेकिन हिंदू मरा किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वहीं वेस्ट में एक काले आदमी को मार दिया गया जो कि साफ साफ गलत है, मर्डर को मर्डर की तरह लीजिए लेकिन रेसिज्म लिया गया, ठीक, मुद्दा उठना चाहिए था, आउटरेज दिखना चाहिए था, दिखा, जनता निकल के आई और शोरूम से चोरियां कर रही, क्या आउटरेज दिखाया है? यहाँ वाले इतने परेशान तड़पड़ा गए, ब्लैक लाइव मैटर ट्रेंड करा रहे हैं, सब चल रहा है, क्यों? हिंदू लाइव डजंट मैटर? नो गॉड प्लीज नो नो नो। मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र में जो बॉलीवुड का हब है मुंबई, महाराष्ट्र में पार्लर की जो घटना हुई, क्यों हिंदू लाइव मैटर का कुछ ट्रेंड नहीं चला है? क्योंकि उनको उनके हिंदू होने पे ही तो मारा गया था, वहाँ की जनता को ब्रेन वॉश ही तो किया गया था, कोई भगवाधारी दिखेगा तो मार देना है वगैरह वगैरह, क्यों? आपका पाखंड ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है और कंगना रनौत ने अपने 2 मिनट के वीडियो में अच्छे से एक्सपोज किया। मैं आप चाहता हूँ कि आप वो भी वीडियो देख लीजिए एक बार। इस तरह का प्रचार हम अक्सर देखते आए हैं, जो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के होनहार कलाकार हैं या जो इस देश में खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, अक्सर इस तरह के कार्ड्स लेके, हाथों में मोमबत्तियां लेके, पत्थर लेके, पेट्रोल बॉम्ब्स लेके सड़कों पे निकल जाते हैं देश को जलाने के लिए या किसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए। मगर उनकी मानवता तभी फूट पड़ती है जब इसके पीछे कोई जिहादी एजेंडा हो। मगर किसी और को अगर उनका इंसाफ दिलाना हो तो इनके मुंह से चू तक नहीं होती। जिस तरह से भेड़िया भेड़ की खाल में छुपा होता है ना, उसी तरह से जिहादी एजेंडा वाले लोग जो है सेक्युलरिज्म की खाल में छुपे हुए हैं। हिंदुओं को ये सेक्युलरिज्म सिखाते हैं, मतलब रिवर्स साइकोलॉजी की भी हद होती है। जो रिलीजन ना कि हमें सिर्फ मानव से प्रेम करना सिखाता है, हर धर्म का सम्मान करना सिखाता है, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ग्रह, ब्रह्मांड, वायुमंडल, हर चीज की हमें पूजा करना सिखाता है, उन्हें सेक्युलरिज्म सिखाते हैं। आप ये कश्मीर में जो अजय पंडित जी के साथ, वो वहां जो पंडितों की दुर्दशा है, कश्मीर में इस्लाम आया कैसे, आप बहुत अच्छी पुस्तकें भी लिखी गई है, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे भी। शाहमीर नाम का एक ट्रेडर हुआ करता था, मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगी। तो वहां का जो राजा था सुखदेव, उसके वहां उसने शरण ली हुई थी, उसके जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे, वो कन्वर्ट हुए थे, और किस तरह से फिर उसने सत्ता बदली और जैसे ही भी है वहां पे शाहमीर डायनेसिटी इज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेसिटी। मगर उस तरह से फिर जैसे जैसे हिंदूज की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती गई, 600-700 सालों में अब नाम मात्र रह गई है, उनको भी मार काट के हर दिन वहां खून की नदियां बहती है। तो ये सत्य है और इतिहास इस चीज का गवाह है कि जहां हिंदूज नहीं है वहां सेक्युलरिज्म भी नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करती हूं कि पंडितों को कश्मीर वापस भेजा जाए और उन्हें उनकी जमीन दी जाए और वहां पे हिंदुइज्म की फिर से स्थापना की जाए, और अजय पंडित जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जय श्री राम। हमें बॉलीवुड में ऐसे लोगों की सख्त ज़रूरत है, हमें देश में ऐसे लोगों की सख्त ज़रूरत है जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बिना डरे कि मुझे कल कोई पिक्चर मिले ना मिले, वो लड़की एक स्टैंड करती है, अपने दम पे खड़ी है, अपना फ्यूचर वो खुद देख लेगी, उसको किसी की चिंता नहीं है। उसने बोला, आप भी अगर परवाह करेंगे कि मैं किसी को दुखी ना कर दूँ, बगल वाले अपने मुसलमान भाई को दुखी ना कर दूँ, आप सबको खुश नहीं कर सकते, इतना समझिए। आप सच बोलिए, अगर वो दुखी होता है तो उसका मतलब वो कहीं ना कहीं गलत है।
या तो आपको काउंटर करके आपके कंफ्यूजन को दूर करे या आपको गलत साबित करे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, वो विक्टिम कार्ड खेलेगा। खैर मुझे नहीं लगता कि हमने 1990 से कुछ खास सीख ली। हमने तब भी कुछ हथियार नहीं उठाया, कोई आउटरेज नहीं दिखाया जो लाखों की तादाद में कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ जो भी हुआ, आज भी हुआ। एक को गोली मारी गई है, लाखों को कैसे कैसे मार दिया जाता होगा, कन्वर्ट किया जाता है, तमाम चीज़ें कश्मीर में होती हैं, पता भी नहीं चलता, तो बात अलग है। जनता आउटरेज नहीं दिखाती। कुछ मीडिया वाले स्टोरी बनाते हैं, जब कोई आतंकवादी मरता है तो कहते हैं कि उसको किसी ने जलील कर दिया बचपन में, थप्पड़ मार दिया तो उसने बंदूक उठा ली, वरना तो बहुत बड़ा टीचर था मैथ्स का। मैं पूछ रहा हूँ कि जितना बुरा कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ हुआ है लाखों की तादाद में, अगर 50,000 भी, 5 लाख की तादाद कहते हैं लोग, उसमें से तलवार उठा लेते, पूरे कश्मीर में से मुसलमानों का सफाया हो जाता, वो इमेजिन कर सकता है। लेकिन उनका पूरा कल्चर ही मिटा के रख दिया गया, वहाँ के मंदिर भी तोड़े गए। मैं पूछ रहा हूँ होम मिनिस्टर से और जनता से, एक बहुत लॉजिकल सवाल है मेरा, उनसे रिक्वेस्ट भी है कि सरकारें कभी कभी आपके आउटरीच का वेट करती हैं, वो वेट करती हैं कि जनता हमें फोर्स करे एक एक्शन लेने में, वो अपने मन से नहीं करती, वरना ओपोजिशन उन पर प्रेशर बनाता है। आप ट्विटर के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, अब तो रोड पे भी लोग निकल रहे हैं बिना देश हित को दाव पे लगाए, आप अपनी बात पूरी ताकत से बड़ी तादाद में पहुँचाइए कि कश्मीर की डेमोग्राफी बदलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में आ गया है। और आप देख सकते हैं कि जब जब हिंदू माइनॉरिटी में आया है, जैसे पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ तो 30% के आसपास था, 3% रह गया। कश्मीर में जब भगाया गया तो 70% आज की डेट में वहाँ पे मुसलमान राज करता है, मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो इनको बहुत, इधर वालों को जो सेकुलर लिबरल सब, उनको बहुत चिंता होती है कि वहाँ की डेमोग्राफी ना बदले। आप देखिए कि अगर भारत में हिंदू मेजॉरिटी में नहीं होता तो ये लोग ना डेमोक्रेसी का रोना रो पाते, ना सेकुलरिज्म का। कोई भी मुसलमान, कोई भी सेकुलर मुझे बता दे कि दुनिया की किस इस्लामिक कंट्री में आप किसी प्राइम मिनिस्टर को, छोटे लेवल का बच्चा भी गाली दे सकता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी वो वीडियो दिखाई है कि एक बच्चा कह रहा है कोरोना से ठीक होने के बाद, उसके मम्मी पापा आ रहे हैं, तो बच्चा कह रहा है कि हम मोदी को मारेंगे। वो क्लिप है, आप चाहे तो मेरी पुरानी वीडियो एक बार देख सकते हैं। कौन कह सकता है दुनिया के किस देश में इतनी आज़ादी कि कह दे कि हम मोदी को मारेंगे या फिर हम अपने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को मारेंगे। एकदम बहुत समय नहीं लगेगा, नाप दिए जाओगे। तो वो जनता जो भारत के पक्ष में है, हिंदुओं के पक्ष में है, खुल के स्टैंड ले। आप हैं, गर्व करिए उस चीज़ पे, अपनी आइडेंटिटी पे खुल के स्टैंड लीजिए, इसकी डिमांड करिए। वहाँ की डेमोग्राफी बदलनी चाहिए, मैं इससे खुला बोलना ही नहीं चाहता, इससे ज़्यादा ओपन और कोई क्या हो सकता है। अगर नहीं बदली, जितने बचे हैं उतने भी ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान का तो एजेंडा ही है, गज़वाए हिंद तो एक हदीस ही है कि हम वहाँ से आएंगे, कश्मीर पाकिस्तान से होते हुए, कश्मीर से होते हुए भारत पे कब्जा करेंगे, गज़वाए हिंद करेंगे। जिस कश्मीर में आप बैठ के अभी बात कर रही हैं, मुझे ये खबर है कि पिछले 24 घंटों में हमारे 9 बेटे वहाँ पे फिर शहीद कर दिए गए हुए। तो आप एक रास्ता मत बनने दीजिए। मोदी और अमित शाह ने एक दरवाज़ा किस तरीके से बंद किया है, आप एक नया दरवाज़ा मत उनको खोलने दीजिए उस कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बना के। और अमित शाह जी से जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, अब जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है तो ये सीधा सीधा वहाँ की सिक्योरिटी होम मिनिस्टर के अंडर में आती है, पुलिस होम मिनिस्टर के अंडर में आती है, तो अब वो लोग सीधा सीधा गवर्न कर सकते हैं कि क्या एक्शन होगा। मुझे क्या कोई सरकारी नुमाइंदा या फिर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली सही कोई बता सकता है कि आपका 8 तारीख की अजय पंडिता की घटना पे, उनके साथ जो हुआ, उनको जो मारा गया, उस पे आपका इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है, बस मुझे ही जानना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। शेयर मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, आप शेयर करेंगे तो जनता अवेयर होगी। कभी कभी लोगों को हर वो एंगल नहीं पता होता, आप शेयर करिए। सब्सक्राइब अपनी इच्छा से, समझ में आए तो कर सकते हैं आप। जय हिंद, वंदे मातरम।